हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल में माइंड योर टेक। और आप देख रहे हैं इस वक्त डी लिंक DWA-171 वायरलेस USB अडाप्टर। बहुत ही सीधा सी डिवाइस है, अपने कंप्यूटर के किसी भी USB पोर्ट पर लगाइए और वाईफाई से कनेक्ट कीजिए बस। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप है और आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये वीडियो देखते रहिए और फिर से सोचिएगा। तो दोस्तों, अगर आप वाईफाई बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको वाईफाई स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल के बारे में पता होगा। शायद अगर नहीं पता तो ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वाईफाई स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल से, जो कि है 802.11b/g/n/ac। तो b/g/n जो कि आपको हर मोबाइल और कंप्यूटर में मिल जाएगा, 2.4 GHz का फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। और जो लेटेस्ट AC बैंड है वो 5 GHz फ्रिक्वेंसी बैंड पे काम करता है, जो कि ज़्यादा फास्ट और तेज़ है। तो मार्केट में कुछ ऐसे नए राउटर हैं जो 2.4 GHz और 5 GHz दोनों पे काम करते हैं, और ऐसे राउटर को हम लोग ड्यूअल बैंड वाईफाई राउटर कहते हैं। तो अगर आपके पास एक वाईफाई ड्यूअल बैंड AC राउटर है, तो आप उसका यूज़ कैसे करेंगे अगर आपके पास AC 5 GHz रिसेप्टर ही ना हो? बहुत से मोबाइल में नहीं होता है, मेरे मोबाइल में भी नहीं है और बहुत से लैपटॉप्स में भी नहीं होता है। जो कुछ महंगे मोबाइल और महंगे लैपटॉप्स हैं उनमें शायद आपको मिले, लेकिन चांसेस यही है कि शायद ना हो। तो आप अपने इस नए राउटर का, जिसमें AC 5 GHz फ्रिक्वेंसी है, बेहतर स्पीड है, आप उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे? तो यहाँ पर काम आते हैं USB अडाप्टर्स, और ये D-Link वायरलेस AC 12-band USB अडाप्टर। तो अगर आपके पास एक पुराना PC है या लैपटॉप है जिसमें वाईफाई नहीं है या फिर ख़राब हो गया, तो ये एक अच्छा अपग्रेड है और 1000 रुपये में कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगा तो लाइक करें और कोई सवाल हो तो कमेंट करें।